हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 275 युवाओं को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज, 18 वर्ष से अधिक के 300 युवाओं ने करवाया था पंजीकरण। वैक्सीन की पहली डोज लगवाने को युवाओं में दिखा उत्साह, 45 वर्ष से अधिक के 140 लोगों को लगाई गई वैक्सीन की दूसरी डोज। शहर के यूपीएचसी में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। पहली डोज लगवाने के लिए युवाओं में उत्साह का आलम रहा। चिकित्सालय के बाहर कतार में लगे युवा अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं 45 वर्ष से अधिक के 140 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। कोरोना से बचाव को वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में खासी जागरूकता है, इसी की बानगी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिली, जहां सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के पहले दिन युवाओं का हुजूम उमड़ा रहा। चिकित्सालय के बाहर युवाओं की कतारें लगी रही। युवा पहली डोज लगवाने को उत्साहित नजर आए। कतारों में लगे युवा अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 18 वर्ष से अधिक के 300 पंजीकृत युवाओं में से 275 को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वहीं 45 वर्ष से अधिक के 140 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। एहतियात के तौर पर चिकित्सालय के बाहर व अंदर पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले रहे। वहीं शिक्षक विजय नागौरा, संजय झवेरी, तनुश्री, वैक्सीनेटर शैली, योगेश कुमार, आशा सहयोगिनी नीलम, कल्पना व बीना निर्धारित समय तक वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में जुटे रहे। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।